हमारे इंडिया में बहुत सारे हिल स्टेशंस हैं और हर की अपनी खूबसूरती है और अपनी खासियत भी है। इस वीडियो में मैं आपको इंडिया के टॉप 10 हिल स्टेशंस के बारे में बताऊंगा, जिनको जानकर आप अपनी सुविधा अनुसार कहीं भी जा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मनाली एक ऐसा हिल स्टेशन है जहां हर कोई अपनी लाइफ में ज़रूर जाना चाहता है, क्योंकि यहां पर घूमने के लिए तो काफ़ी सारी प्लेसेस हैं ही, साथ ही यहां पर ट्रैकिंग कर सकते हैं, राफ्टिंग कर सकते हैं, पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं और इनके अलावा भी काफ़ी सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आसपास की जो पॉपुलर टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनमें हिडिम्बा देवी टेम्पल, मनु टेम्पल, सोलांग वैली और क्लब हाउस मेन प्लेसेस हैं। साथ ही यहाँ पास में ही बहती हुई बेस रिवर आपको बहुत ही प्यारा एहसास देगी और नज़रें उठाते ही हर तरफ बर्फ से लदे पहाड़ आपके दिल को छू लेंगे। मनाली पूरे साल घूमने वाली प्लेस है, पर अगर आपको स्नो या स्नोफॉल देखना है तो आप जनवरी से मार्च के बीच में जाएं, जो कि यहाँ का बेस्ट टाइम है। हिल स्टेशन के मामले में शिमला की मिसाल दी जाती है, क्योंकि यहाँ घूमने का मज़ा ही कुछ और है। शिमला हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है और यहाँ चाहे मॉल रोड पर बैठ के दोस्तों के साथ मस्ती करना हो या फिर यहाँ की टॉय ट्रेन का सफ़र हो, आपको एक यादगार अनुभव कराती है। यहाँ पर आसपास में घूमने के लिए जाखू टेम्पल है, द रिज है, साथ ही यहाँ का गवर्नर हाउस भी काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ के तारा देवी टेम्पल में आकर आपको बहुत ही सुकून भी मिलेगा और व्यूज़ भी देखने को मिलेंगे। शिमला आप पूरे साल जा सकते हैं, लेकिन अक्टूबर से मार्च यहाँ के लिए बेस्ट टाइम है। गर्मी के टाइम में थोड़ा गर्मी का एहसास हो सकता है। गैंगटोक एक ऐसी जगह जहाँ आकर आपको लगेगा कि आप एक अलग ही दुनिया में कदम रख दिए हैं, क्योंकि यहाँ की छिपी हुई खूबसूरती अभी भी बहुत से लोगों ने नहीं देखी है। यहाँ पर आसपास में तो बहुत सारी प्लेसेस नहीं हैं, पर यहाँ से बहुत सारी डे ट्रिप्स होती हैं। यहाँ के नाथुला पास का सफ़र हो या छंगू लेक का, ये सफ़र आपको आपकी लाइफ का यादगार लम्हा दे जाएगा। इसके साथ ही यहाँ से लाचेन और लाचुंग की 2 दिन की ट्रिप और यहाँ के युमथांग वैली 0 पॉइंट की खूबसूरती आप हमेशा अपनी आँखों में संजो कर रखना चाहेंगे। गैंगटोक जाने का बेस्ट टाइम मार्च से मई और सितंबर से नवंबर का होता है, क्योंकि बाकी टाइम यहाँ बर्फ या बारिश होती है। ऊटी 90s की बहुत सारी मूवीज़ के बहुत सारे सीन्स का गवाह बन चुका है और साउथ इंडिया का ये हिल स्टेशन देखते ही आपके फेस पर वो स्माइल आ जाएगी जो शायद हमारे बचपन में होती थी। ऊटी में घूमने की बहुत सारी प्लेसेस हैं, फिर चाहे वो यहाँ का ऊटी लेक हो या यहाँ का वेनलॉक व्यू पॉइंट या फिर यहाँ का रोज गार्डन हो या फिर यहाँ की टॉय ट्रेन, आपकी फैमिली के लिए ऊटी बहुत ही आइडियल प्लेस होगी, क्योंकि यहाँ पर वो सब चीज़ मिलेगी जो बच्चे हों या बड़े सबको पसंद आएगी। ऊटी घूमने का बेस्ट टाइम पूरे साल है, तो यहाँ पर आप कभी भी जा सकते हैं। अगर बारिश नहीं पसंद है तो जून से अगस्त में ना जाएं, लेकिन मानसून में यहाँ की ब्यूटी अलग ही होती है। दार्जिलिंग एक ऐसा हिल स्टेशन है जो अपने टी गार्डन्स के लिए मशहूर है और ये एक ऐसी जगह है जहाँ आकर
आपको अलग कल्चर भी देखने को मिलेगा। हालांकि टी गार्डन्स के अलावा यहाँ की टॉय ट्रेन भी काफ़ी मशहूर है, और यहाँ की मोनेस्ट्री हो या यहाँ का कोई भी टूरिस्ट प्लेस, आपको हर बार एक अलग ही नज़ारे दिखाएगी। दार्जिलिंग आने का बेस्ट टाइम पूरे साल है, तो आप कभी भी बस अपना बैग उठाकर बिना सोचे दार्जिलिंग जा सकते हैं। नैनीताल के बारे में बस एक ही ख्याल आता है कि ये प्लेस सस्ती भी है और सुंदर भी है, और सबसे ज़रूरी, दिल को छूने में भी कोई कसर नहीं छोड़ती है। यहाँ पर चाहे तो आप 3 से 4 किलोमीटर में भी अपनी छुट्टियाँ मना के वापस जा सकते हैं, या फिर यहाँ से लंबी आउटडोर प्लेसेस पर जाकर भी अच्छा टाइम बिता सकते हैं। यहाँ के लेक में बोटिंग करना हो या नैना पीक की ट्रैक करना हो, आपके हैप्पीनेस में ये प्लेस कोई कसर नहीं छोड़ेगी। यहाँ पर केव गार्डन भी है और यहाँ पर आसपास में कई लेक्स भी हैं। साथ ही यहाँ से अल्मोड़ा और रानीखेत की भी डे ट्रिप आप कर सकते हैं। नैनीताल जाने का जो बेस्ट टाइम है वो है पूरा साल, तो आप कभी भी यहाँ पर जा सकते हैं। हिल स्टेशन की बात हो तो आप मसूरी को कभी नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि ये क्वीन ऑफ हिल्स है। यहाँ की खास बात ये है कि यहाँ के ज़्यादातर प्लेस आसपास में ही है, और घूमने के लिए एक स्कूटी या मोटरसाइकिल ही काफ़ी है। यहाँ की सबसे फेमस प्लेस है कैंपटी फॉल, और साथ ही यहाँ के लाइब्रेरी चौक पर बैठकर चिल मारने का भी अपना ही मज़ा है। मसूरी काफ़ी सस्ती प्लेस है और घूमने के लिए काफ़ी सारी प्लेसेस यहाँ पर हैं। मसूरी में भी आप पूरे साल में कभी भी जा सकते हैं, और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए ये आइडियल प्लेस है। जब भी आप किसी पीसफुल हिल स्टेशन की बात करेंगे तो डलहौजी का नाम ज़रूर आएगा। डलहौजी हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा हिल स्टेशन है, पर यहाँ पे घूमने की कई सारी ऑफ बीट प्लेसेस हैं। यहाँ जनवरी के टाइम आपको स्नो के साथ स्नोफॉल भी देखने को मिल सकता है, और यहाँ का मिनी स्विट्ज़रलैंड यानी कि खजियार तो आपको रोमांच से भर देगा। साथ ही यहाँ पर आप ट्रैक भी कर सकते हैं, जैसे डैनकुंड पीक की ट्रैक कर सकते हैं या गंजी पहाड़ी की ट्रैक, जहाँ आप मड हाउस में भी रह सकते हैं। डलहौजी भी पूरे साल आप जा सकते हैं, पर स्नो के लिए जनवरी या फरवरी बेस्ट टाइम माना जाता है। हिल स्टेशन की बात हो और नॉर्थ ईस्ट की कोई प्लेस ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। मेघालय की राजधानी शिलोंग आकर आप एक ही ट्रिप में कई सारे नज़ारे देख लेंगे, क्योंकि इस ट्रिप में शिलोंग ही नहीं, आप पूरा मेघालय केवल 4 से 5 दिनों में घूम लेंगे। शिलोंग में तो कई सारे टूरिस्ट स्पॉट हैं, साथ ही यहाँ से डे ट्रिप में आप चेरापूंजी, मॉन्शिनरोम, मॉलिन नॉन्ग और भी कई सारी प्लेसेस को कवर कर लेंगे, जिनमें आपको बहुत ही डिफरेंट कल्चर भी देखने को मिलेगा। शिलोंग का बेस्ट टाइम अक्टूबर टू मार्च है, पर आप चाहें तो पूरे साल भी यहाँ पर जा सकते हैं। कश्मीर के बारे में वैसे तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर इसे धरती का स्वर्ग कहते हैं तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर देखने के लिए कितना कुछ होगा। कश्मीर में इतनी सारी घूमने की प्लेसेस हैं कि आप अगर महीनों भी यहाँ के लिए निकाल के जाते हैं तब भी आपको कम पड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप रोड ट्रिप भी कर सकते हैं, ट्रैक भी कर सकते हैं, और हनीमून के लिए तो ये बेस्ट प्लेस मानी जाती है। कश्मीर पूरे साल आप जा सकते हैं, पर दिसंबर टू फरवरी यहाँ की काफ़ी प्लेसेस क्लोज होती हैं, तो अप्रैल टू जून या अक्टूबर टू नवंबर आपके जाने के लिए सबसे अच्छा टाइम होगा। इन सभी प्लेसेस की इंफॉर्मेशन, टूर प्लेसेस और टूर बजट और आइटनरी के साथ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, जहां आप जाकर पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं।